Story name is Punishment or Love, and this story is begin from chapter 47. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। समय राघव को ओदर टोन में बोला, गाड़ी घुमाओ, हम अभी इंडिया जा रहे हैं। राघव ने बिना कुछ बोले गाड़ी घुमा ली। उसने मिहिर को कॉल कर जेट तैयार करने को कह दिया। राघव के साथ अफान भी मुंबई आने वाला था। कार में एक बार फिर से खामोशी हो गई। समय अपने फोन में इलियाना की फोटो निकाल उस पर उंगली फिरा के बोला, मेरी प्रिंसेस, मेरी यू, मेरा बच्चा, मैं आ रहा हूँ। इस बार में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार तेरा भाई तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करेगा। इन सब में समय ने एक बार भी तापसी की ओर नहीं देखा, जो उसके पास ही सर झुका के बेदी थी। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू निकल रहे थे। तापसी फिर से समय के पास होते हुए खुद को अकेला फील कर रही थी। समय तापसी के बारे में भूल ही गया था। वो इस वक्त सिर्फ अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहा था, जो उसे 3 साल बाद वापिस मिली है। ऐसा नहीं था समय उसे याद नहीं करता था, वो अपनी बहन को बहुत याद करता था, लेकिन इलाना की वो कसम ने उसे रोक रखा था। समय ने राघव से कहा, अफान को बोल आते हुए अपने साथ अविरन को भी लेके आइए, वो भी हमारे साथ मुंबई चलेगा। यहाँ का सारा काम मिहिर को संभालने को बोल दे। जी बोस, राघव ने कहा। समय थोड़ी देर आंखें बंद कर सिर से सर टिका दिया। इस वक्त उसकी आंखों के सामने अपनी चंचल बहन का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी छोटी सी बहन के साथ बिताए वो हर पल आ रहे थे जो दोनों ने साथ में बिताए थे। कुछ ही देर में उनकी कार एयरपोर्ट पहुंच गई। समय तुरंत कार से उतर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। राघव एक नजर पीछे देख कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे। उसे भी समय के साथ मुंबई जाना था, लेकिन कार में तापसी थी, जिसके बारे में समय भूल ही चुका था। राघव भी कार से बाहर आके सोचने लगा वो क्या करे। समय ने उसे कुछ भी नहीं कहा था कि तापसी को साथ लेना है या मेंशन छोड़ना है। तापसी राघव को देख रुआसी आवाज में बोली, आप उनके साथ जाए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। राघव ने कहा, नहीं मैम, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तापसी दर्द भरी स्माइल कर खुद से बोली, जीन को साथ होना चाहिए था, उन्होंने एक बार फिर हमें छोड़ दिया और ये हमें अकेले ना छोड़ने की बात कर रहे हैं। राघव तापसी की ओर का दौर खोल के कहा, मैम आप पीछे की कार में बैठ जाए, मैं आपको मेंशन छुड़वा देता हूँ। तापसी बिना कुछ बोले अपना सर हां में हिला दिया। वो अभी एक कदम बाहर रखती उसे पहले किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तापसी एक पल के लिए घबरा गई, उसके हाथ अपने आप उसके गले में चले गए। उसे गोद में उठाने वाला और कोई नहीं समय था। तापसी ने जैसे ही अपने सामने समय को देखा तो उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए। समय उसे कार से निकाल कार की बोनट पर बिठा के उसके पैरों के बीच खड़ा होके उसके चेहरे को अपने हाथों में भर पूरे चेहरे को चूमने लगा। ये सब वो एयरपोर्ट के बाहर ही कर रहा था। वह रात थी, फिर भी काफी लोग वहां थे, सब की नजर उन पर थी, लेकिन समय के गादोस ने पहले ही उनको कवर किया हुआ था, इसलिए कोई भी उनके करीब नहीं आ पाया। समय तापसी के पूरे चेहरे को चुमके उसके सर से सर जोड़ के बोला, बटरफ्लाई सॉरी, उसने सिर्फ दो वद बोले। तापसी रोते हुए बोली, आप गंदे हो, आपने फिर से मुझे छोड़ दिया। शहर बटरफ्लाई, ये बात दोबारा मत बोलना, मैं अपनी बटरफ्लाई को कभी नहीं छोड़ सकता, समझ गई, समय ने हल्के गुस्से से कहा। उसे तापसी के मुंह से खुद को छोड़ने वाली बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। तापसी मासूमियत से उसकी कमर पर अपने दोनों पैर लिफ्ट उसके सीने से लग गई। समय भी उसे ऐसे ही उठा के एयरपोर्ट में चला गया। वही राघव ये सब देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। जेट पहले से टेक ऑफ के लिए तैयार था। समय तापसी को लेके जैसे ही जेट में कदम रखा उसकी आंखें छोटी हो गई। जेट में अफान, इनायत, अविरन के अलावा अव्योम व्योम, राहुल, वरुण, यहाँ तक जानू भी थी। अविरन को तो उसने बुलाया था, लेकिन बाकी सबको वहां देख उसकी आंखें छोटी हो गई। जानू समय को देख इस बार कुछ नहीं बोली, वो अपना सर झुका के बेदी रही। तापसी समय को ऐसे खड़े देख सर घुमा के
जैसे ही पीछे देखने वाली थी, समय ने उसके सर को फिर से अपने सिने पर रख कोल्ड वॉइस में कहा, वहां देखने की जरूरत नहीं है। समय का इतना कहना ही काफी था। तापसी ने अपना सर फिर से उसके सिने में छुपा लिया। समय एक नजर सबको देख राघव से कोल्ड वॉइस में कहा, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राघव सबको देख खुद भी उतना ही हैरान था जितना समय। राघव ने अपना सर ना में हिला के कहा, बा बोस मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आए। मैंने सिर्फ अफान को कॉल किया था। अफान खड़ा होके बोला, बोस मैंने सिर्फ अविरन को कॉल किया था, उसने अपने साथ अपने भाइयों को ले लिया। अविरन ने कहा, मैं अपने भाई को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता है ये दोनों कैसे हैं? समय बाकी सबकी ओर देख पूछा, और तुम सबको किसने कहा? वरुण ने धीरे से हाथ उठा के समय की ओर देख दांत दिखा के बोला, वो मैं तेरे हॉस्पिटल के निकलने बाद में भी राहुल को लेके तेरे पीछे निकला था, जब तूने गाड़ी घुमाई तो मैं भी तेरे पीछे ही था, और ये यहाँ क्या कर रही है? समय जानू की ओर उंगली दिखा के बोला। इस पर विरन ने कहा, इसे मैं यहाँ लेके आया हूँ, हम सब वहाँ से निकल रहे थे, ये सिर्फ अकेली वहाँ क्या करती, इसलिए मैंने ही इसे आने को कहा। समय बाकी सबकी ओर देख पूछा, और तुम सबको किसने कहा? वरुण ने धीरे से हाथ उठा के समय की ओर देख दांत दिखा के बोला, वो मैं तेरे हॉस्पिटल के निकलने बाद में भी राहुल को लेके तेरे पीछे निकला था, जब तूने गाड़ी घुमाई तो मैं भी तेरे पीछे ही था, और ये यहाँ क्या कर रही है? समय जानू की ओर उंगली दिखा के बोला। इस पर विरन ने कहा, इसे मैं यहाँ लेके आया हूँ, हम सब वहाँ से निकल रहे थे, ये सिर्फ अकेली वहाँ क्या करती, इसलिए मैंने ही इसे आने को कहा। समय सबकी बात सुन एक नजर सबको गुस्से में घूरने बाद सीधा अपने प्राइवेट केबिन में चला गया। जाते हुए सब को बोला, जिसे जो अपने साथ लाया है उसकी जिम्मेदारी खुद संभाले, में सिर्फ अपनी बटरफ्लाई की जिम्मेदारी लुगा, बाकी किसी से मुझे मतलब नहीं। दूसरी ओर मुंबई में रात के 1 बज रहे थे। श्लोक और इलियाना के लिए 7 स्टार होटल से खाना आ चुका था। समय के गादौस मुंबई स्टेशन के अंदर और बाहर खड़े हो चुके थे। इलियाना एक नजर खाने को देख घूर के श्लोक को देखने लगी। श्लोक ने उसे खुद को घूरता देख खाने की एक प्लेट लेके उसके सामने कर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने नहीं मंगवाया, ये तुम्हारे भाई ने भेजा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि इतना सारा खाना मंगवा सकूं, वो भी 7 स्टार से। इलियाना अपने भाई का जिक्र सुन खाने की प्लेट लेके बोली, मेरे भाई ने भेजा है इसलिए खा रही हूँ, वरना अगर वो लोग लेके आए होते तो कभी नहीं खाती, उन सब की खैर नहीं, एक बार भाई को आने दो। श्लोक ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली और मन में कहा, अगर इसे पता चला ये वही लाए है तो ये मुझे यही पिट देगी, इसे अच्छा उसके भाई के आने तक चुप रहूं, वरना क्या पता इसका भाई मुझे ही ना मार दे। श्लोक बेटा, अब इस लड़की का और भी अच्छे से ध्यान रखिए, सच में बिजनेस किंग की बहन है, अगर जीना चाहता है तो उनके आने तक इसका पूरा ध्यान रखो, इलियाना को देख मन ही मन खुद को बोल रहा था। इलियाना खाने हुए बोली, तुम्हें पता है श्लोक, मेरा भाई इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, उसके लिए मैं ही उसकी दुनिया हूँ और मैं उसके जीने की वजह, वो बाकी सबके लिए बुरे होंगे, विलन होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे हीरो है, उनके पास वो सब है जिसके लिए सब पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको वो कामयाबी नहीं मिलती। इलियानो को नहीं पता था अब उसके भाई की जिंदगी में उसके अलावा भी दूसरी लड़की आ चुकी है, जिसे उसका भाई है पल भी खुद से अलग नहीं करता। जब इलियाना को तापसी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तुम्हारा भाई तो अंडरवर्ल्ड का डॉन है ना, और सुना है वो बिजनेस वर्ल्ड के किंग भी है, श्लोक ने खाते हुए पूछा। इलियाना मुस्कुरा के बोली, हाँ तुमने सही कहा, मेरे भाई डॉन भी है और बिजनेस किंग भी, उनके बहुत सारे बिजनेस है, उन सब में सबसे बड़ा बिजनेस उनका ड्रैगन है, जहाँ के किंग के नाम से उनको जाना जाता है। श्लोक ड्रैगन सुन कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मैंने उनके बारे में पढ़ा है और सुना भी है कि वो धोखेबाजों को बहुत बुरी मौत देते हैं, अपने राइवल को भी बहुत बुरी मौत देते हैं।
मेरे भाई को धोखेबाज से नफरत है और सबसे ज्यादा नफरत उनको एक लड़की से है। इलियाना पुरानी बातें याद करते हुए बोली। श्लोक लड़की। इलियाना बचपन की बातें याद करते हुए बोली, हाँ लड़की, भाई बचपन से एक लड़की से प्यार करते थे। वो उनको अपनी बटरफ्लाई बुलाते थे। जब उसने जन्म लिया तो भाई सिर्फ 7 साल के थे जब उनकी बटरफ्लाई का जन्म हुआ और मैं 5 साल की थी। भाई ही वो पहले थे जिन्होंने उसे अपनी गोद में लिया था और उसने भी भाई की गोद में आते ही रोना बंद कर दिया था। उसने अपनी झील सी आंखें खोल सबसे पहले भाई के चेहरे को देखा। मैं भी उस वक्त भाई के साथ थी जब उनकी बटरफ्लाई का जन्म हुआ। जब से वो आए थी हर वक्त भाई उसे अपने पास रखते थे। उसको तैयार करना, दूध पिलाना सब कुछ भाई ही करते और वो भी भाई के पास ही चुप रहती थी, वरना भाई के अलावा कोई और उसे गोद में लेता तो वो बुरी तरह रोने लगती। लेकिन उस बच्ची की मोम डैड ने उसे तुम्हारे भाई को कैसे लेने दिया? बच्चे के जन्म के बाद तो बच्ची बाप को दी जाती है, श्लोक ने कंफ्यूज होके पूछा। इलियाना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट तेर गई। उसने खाने की प्लेट साइड रख के कहा, उसके डैड उसके जन्म से पहले ही मर चुके थे और माँ भी उसे जन्म देने के बाद चली गई। ओह है गोद सोरी। श्लोक को उसकी बात सुन काफी बुरा लगा। उसने कहा, क्या उस बच्ची का अपना कोई नहीं था? था ना उसका बड़ा भाई राहुल, वो भी भाई की एज का था, लेकिन वो था तो एक बच्चा। अपने माँ बाप की मौत से वो बुरी तरह टूट चुका था। वो उस वक्त होश में नहीं था कि वो अपनी बहन को संभाल सके। इलियाना ने राहुल के बारे में याद करते हुए कहा। श्लोक को ये सब जान काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में नमी छा गई। उसे तापसी के लिए काफी बुरा फील हो रहा था। उसने भी बचपन में अपने बाबा को खोया है, इसलिए उसका दर्द वो समझ सकता है। दूसरी ओर जेट टेक ऑफ कर चुका था। तापसी अभी समय की बाहों में सुकून से सो रही थी। समय ने उसे अपने ऊपर लेता या हुआ था और खुद उसके नीचे लेता हुआ था। समय की आंखें तापसी पर ही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें भी बर्फ की तरह कोल्ड थी। दूसरी ओर जेट टेक ऑफ कर चुका था। तापसी अभी समय की बाहों में सुकून से सो रही थी। समय ने उसे अपने ऊपर लेता या हुआ था और खुद उसके नीचे लेता हुआ था। समय की आंखें तापसी पर ही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें भी बर्फ की तरह कोल्ड थी। समय एक हाथ से तापसी के बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से अपने फोन को देख रहा था जिस पर इलियाना की फोटो थी और उसकी बाहों में उसकी बटरफ्लाई। समय दोनों को एकटक देखता रहा जैसे कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो थे, जिसे बता पाना मुश्किल है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाहर वरुण ने राहुल को दूसरे प्राइवेट केबिन में भेज दिया ताकि वो आराम कर सके। उसकी चोटें अभी भी गहरी थी और सफर भी काफी लंबा था। अविरन अपने असिस्टेंट केबिन के साथ अपने ऑफिस के बारे में बात कर रहा था, जैसे उसे मुंबई जाके कौन कौन से मैटर देखने हैं, कौन से प्रोजेक्ट की फाइल तैयार करनी है, क्या काम यहाँ से जाने से पहले करना है और क्या बाद में। अविरन ने सोच लिया था वो मुंबई कदम रखते ही पहले अपने दोनों भाई को विला भेज देगा ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सके, वरना अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो वो काम कर उनकी चिंता ज्यादा करेगा। वैसे भी उसकी माफिया मीटिंग 10 दिन बाद होने वाली थी, इसलिए वो ऑफिस का काम केविन पर छोड़ दिया। अविरन ने देखा उसके दोनों सैतान भाई अब सो चुके हैं, तो उसने दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बारी बारी दोनों के सर को चुम लिया और हल्का सा मुस्कुरा के कहा, मेरे सैतान बच्चे। वरुण ने उसकी बात सुनी। वो अविरन को देख मुस्कुरा के बोला, तुम इतने बुरे भाई नहीं हो, अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हो। अविरन ने बिना इमोशन अव्योम व्योम को देखते हुए कहा, ये दोनों मेरे जीने की वजह है। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनके लिए हूँ। मैं नहीं चाहता जो कुछ मैंने सहा वो मेरे भाई को सहना पड़े, इसलिए मैंने इस दलदल में कदम रखा ताकि मेरे भाई को वो सब ऐसो आराम मिले जो उनका हक है। तुम्हारे भाई बहुत लकी है जो तुम उनके पास हो, वरुण ने उसकी बात सुन मुस्कुरा के कहा। अविरन अपनी चेयर पर वापिस आके बोला, लकी वो नहीं मैं हूँ जो मुझे ये दोनों बंदर मिले। वैसे तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है।
वरुण उसकी बात सुन उदास हो गया। उसने अपना सर नामे हिला के दिया और कहा, भाई बहन तो नहीं है लेकिन दो दोस्त और एक मुंह बोली, बहन जरूर है जिसे तुम जानते भी हो। अविरन उसका उदास चेहरा देख समझ गया कि उसके सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन फिर उसकी दूसरी बात सुन हैरानी से उसकी ओर देख बोला, तुम उस सनकी इंसान को अपना दोस्त मानते हो जो तुमसे ठीक से बात तक नहीं करता। उसकी बात सुन वरुण हल्का मुस्कुरा के बोला, हाँ वो सनकी मेरा दोस्त है, वो भले ही हमसे रुड रहता है, हमसे ठीक से बात नहीं करता, लेकिन वो हमसे प्यार बहुत करता है। मुझे तो नहीं दिखता वो सनकी किसी से प्यार भी करता होगा सिवाय उस मासूम लड़की के, एक वही है जिसके लिए मुझे उस आदमी की आंखों में प्यार जुनून सनक दिखती है, बाकी सबके लिए तो वो रूढ़ ही है, अविरन बुरा सा मुंह बना के कहता है तो वरुण उसकी बात सुन जोर से हंसने लगा। वरुण को हंसता देख अविरन का मुंह बन गया। वरुण हंसते हुए कहा, वो इतना बुरा भी नहीं है, हाथ थोड़ा रूढ़ है क्योंकि वो हमसे गुस्सा है, हमने उसकी बटरफ्लाई को दूर किया था जिसे उसका गुस्सा होना बनता भी है, हमने गलती ही इतनी बड़ी की है। अविरन कंफ्यूज होके, मतलब कहानी लंबी है बाद में फुर्सत से बताऊंगा, अभी इतना समझ लो वो चाहे हजार बुरे काम करे लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है, वरुण ने मुस्कुरा के कहा और चुप हो गया। अविरन ने भी कुछ पल उसे घूरा फिर आंखें बंद कर ली। पीछे राघव अफान के साथ बैठ बाकी चीजें डिस्कस कर रहा था। अब उन सब की बातें भले ही अलग थी लेकिन चीजें बिल्कुल क्लियर थी। उनको मुंबई जाके अपने ऑफिस और इनलीगल काम को देखना था, वही समय को अपनी बहन से मिल उसे रुलाने वालों से बदला लेने वाला था। सुबह के 9 बजे मुंबई अंधेरी स्टेशन पर काफी चहल पहल थी। मुंबई जैसी सिटी में भीड़ होना नॉर्मल सी बात है। आज भी सारी ट्रेन अपने समय पर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। इलियाना श्लोक की गोद में सर रख लेती हुई थी, वो प्लेटफॉर्म पर ही लेती हुई थी, उसे दूर से प्रोटेक्ट कर रहे दादा उसे देख रात से परेशान थे। जब से उनको पता चला है वो लड़की उनके बॉस की बहन है तब से उनकी हालत खराब हो रखी थी। इलियाना श्लोक की गोद में सर रखे हुए बोली, मेरे भाई कब आएगे, मुझे अब और वेट नहीं हो रहा। श्लोक अपनी कमर पकड़ के बोला, तुम्हारा भाई आता ही होगा, पहले तू मेरी गोद से सर उठा ले वरना मेरी कमर टूट जाएगी। श्लोक को अपनी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, वो पूरी रात उसके सर को गोद में रख बैठा हुआ था। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थी क्योंकि समय ने उसे इलियाना का ध्यान रखने को कहा था, इसलिए उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं बंद की थी, ना ही एक पल के लिए अपनी जगह से हिला था। पूरी रात उसकी कमर पर बहुत दर्द हो रहा था फिर भी उसने उफ तक नहीं की। इलियाना उसकी गोद से उठ के बोली, क्या श्लोक तुम मुझे अपनी गोद में भी नहीं सोने दे सकते। श्लोक खड़ा होके अपनी कमर को राइट लेफ्ट करके दर्द से कराहते हुए बोला, आह मेरी कमर सोरी या, लेकिन मुझे सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैंने तुम्हें पूरी रात अपनी गोद में सोने दिया था, अब थोड़ी देर में अपनी कमर सीधी कर लूं फिर तुम वापिस सो जाना। इलियाना उसे दर्द से तड़पते देख बुरा सा मुंह बना के बोली, तुम कितने दुज हो। वो दुज नहीं दुष्ट होता है, श्लोक ने उसके वध को सही करके कहा और फिर कहा, या मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। इलियाना उसके चेहरे पर दर्द देख सकती थी फिर उसने कुछ नहीं कहा। श्लोक ने भी थोड़ी देर कमर को राइट लेफ्ट किया ताकि उसका दर्द कम हो सके। इलियाना स्टेन पर हो रही चेहल पेहल देख हिंगराई लेके बोली, आज मेरा इस ट्रली भरी जिंदगी में आखिरी वक्त है, इस नॉर्मल जिंदगी के बाद या इलियाना बन जाएगी, फिर ये गरीबी की जिंदगी कभी फेस नहीं करूंगी, ना ही कभी अपने भाई से अलग होगी। इस वक्त ने मुझे कुछ सिखाया हो चाहे ना हो, लेकिन नाम पैसों की वैल्यू साफ सिखा दी थी। श्लोक उस पर कुछ कहता कि तभी वहां एक रोबदार आवाज आई, प्रिंसेस। इलियाना आवाज सुनते ही अपनी जगह खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर खुशी गम दोनों के मिले जुले एक्सप्रेशन आ गए। आवाज फिर से आए, प्रिंसेस। इलियाना का दिल जोर से शोर करने लगा, वो अपने धकते दिल पर हाथ रख धीरे से बोली, भाई। वो धीरे से पीछे मुड़ी, उसके सामने उसका भाई समय खड़ा हुआ था। वो अपने भाई को 3 साल बाद अपने सामने देख रही थी। आज भी उसका
भाई वैसा ही था। अपने भाई को देख उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। समय साथ वहां पर तापसी, राघव, अफान, अविरन, वरुण, राहुल भी मौजूद थे। अविरन ने केविन के साथ अव्योम व्योम को भेज दिया था। इलियाना की हालत देख समय की आंखें भी नम हो गई। उसने अपनी बहन को प्रिंसेस की तरह रखा था। आज उसकी प्रिंसेस इस हालत में रास्ते पर थी। ये देख समय की आंखों में खून उतर आया। वरुण राहुल भी इलियाना को जानते थे। दोनों की आंखें भी नम हो गई थी। समय के आदमी ने उस साइड का पूरा प्लेटफॉर्म खाली करवा दिया था। अब वहां सिर्फ समय के गादोस थे जिन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म को कवर कर दिया था। इलियाना अपने भाई को 3 साल बाद अपने सामने देख रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार आंसू निकल रहे थे। अपने भाई के साथ बिताए हर पल उसकी आंखों के सामने आ गए। समय की आंखों में भी वही पल आके चले गए जो इलियाना के साथ बिताए थे। इलियाना समय की ओर भागते हुए जाके उसके सीने से लिपट गई। समय ने दोनों हाथ से इलियाना को अपनी बिहों में भर लिया। भाई बहन का मिलन देख राहुल ने भी अपने पास खड़ी तापसी को अपने सीने से लगा लिया। आज उसने भी काफी महीनों बाद अपनी बहन को गले लगाए था, वरना समय उसे उसके पास तक आने नहीं देता था। वरुण की आंखों में हल्की नमी तैर गई। वरुण ने तापसी के सर पर हाथ रख दिया। वरुण को हमेशा भाई बहन की कमी खलती थी। वो हमेशा अपने देद से पूछता था कि क्यों उसकी कोई बहन भाई नहीं है। उसे भी बचपन से एक भाई बहन चाहिए थे। तापसी की नजरें तो समय के सीने से लगी इलियाना पर थी। उसे इलियाना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जब 5 साल की थी तब से वो समय से दूर चली गई थी। समय अपनी बहन को सीने से लगा के बोला, मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी यू। इलियाना सुबकते हुए बोली, भाई आप आ गए, आप सच में आ गए, आप अपनी यू को लेने आ गए, मेरा भाई आ गया, मैंने आपको बहुत मिस किया भाई, बहुत ज्यादा। यहाँ किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था कि मैं आपकी बहन हूँ। यहाँ सबने मुझे पागल कहा, सबने आपकी बहन को रुलाया, सबने मुझे बहुत गंदा गंदा कहा। इलियाना रोते हुए समय को बोल रही थी। उसकी आंखों में बेतहाशा दर्द झलक रहा था जो समय भी महसूस कर रहा था। समय को उसकी आंखों में आंसू देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वही जानता था उसने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। समय अपने गुस्से को कंट्रोल कर उसके बालों को सहला के बोला, शशह, डोंट क्राई प्रिंसेस, चुप हो जाओ, मैं अब आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें रुलाने वाले हर एक इंसान को उसे 1000 गुना ज्यादा ना रुलाया तो। मेरा नाम समय मल्होत्रा नहीं। इलियाना समय की बात सुन और भी तेज रोने लगती है। समय उसके चेहरे को हाथों में भर उसके पूरे चेहरे पर किस कर प्यार से कहता है, प्रिंसेस प्लीज चुप हो जाओ, रो मत, देखो अब तुम्हें आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा, आए प्रोमिश, किसी को नहीं छोड़ूगा, पहले तुम मेरी इलियाना बन जाओ। समय अपनी बहन को ऊपर से नीचे देख रहा था। इलियाना अभी भी उसी गंदे कपड़ों में थी जिसे देख समय अपने आदमी को बुला के उसके नए कपड़े मंगवाए और इलियाना को चेंज करने को कहा। इलियाना कपड़े लेके तुरंत चेंज करने बाथरूम में चली गई। उसे पता था उसके भाई को साफ सफाई पसंद है। श्लोक वही खड़ा होके समय को देख रहा था। आज उसके सामने हॉलीवुड का बादशाह खड़ा हुआ था जिसे एक नजर देखने के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं। वो उसके सामने था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। इलियाना कपड़े लेके तुरंत चेंज करने बाथरूम में चली गई। उसे पता था उसके भाई को साफ सफाई पसंद है। श्लोक वही खड़ा होके समय को देख रहा था। आज उसके सामने हॉलीवुड का बादशाह खड़ा हुआ था जिसे एक नजर देखने के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं। वो उसके सामने था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। श्लोक के गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। श्लोक के कपड़ों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। इलियाना को पूरी रात संभालने में उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। समय का गाद उसे भी एक बैग देता है। श्लोक बैग में कपड़े देख एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर वो भी चेंज करने चला जाता है। समय इलियाना के जाने बाद पीछे मुड़ अपनी बटरफ्लाई को देखा जिसे अभी भी राहुल ने सीने से लगाए हुआ था। उसे देख समय की आंखें शद हो गई। तापसी को राहुल के सीने से लगे देख उसके हाथों की मुठिया कस गई। समय ने एक झटके में तापसी का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया। तापसी सीधा उसके सीने से जा लगी। राहुल समय के इस
एक्सन से हैरान था। तापसी को खुद से दूर समय की बाहों में देख उसका बुरा सा मुंह बन गया। सने समय को घुर के मन में कहा मोन्स्टर। वरुण पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया। अविरन समय को देख हैरान और कंफ्यूज दोनों था। अभी जिस तरह समय ने अपने बहन को प्यार किया उसे देख वो कंफ्यूज था कि ये आदमी इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। लेकिन जब तापसी को उसके भाई से खींचकर अपनी बाहों में भरा तो वो हैरान हो गया कि ये आदमी है क्या। समय के एक्सप्रेशन देख वो और भी सोकत था। वो समय को देख मन में बोलता है ये आदमी गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। इसके सामने तो गिरगिट भी अच्छा लगे एक पल में सॉफ्ट तो दूसरे पल फिर से रूठ। पता नहीं ये इंसान है या गिरगिट। समय एक नजर राहुल को घूर के देख तापसी को कसके अपने सीने से लगा लिया। तापसी भी थोड़ा सा ऊपर होके समय की कमर पर अपने पैर लिपट लिए और पूरी तरह उसके सीने से लग गई जैसे बंदर का बच्चा। राहुल अपनी बहन को समय के करीब देख और चिर गया। समय तापसी के सर पर हाथ रख शरद आवाज में बोला बटरफ्लाई मैंने तुमसे मना किया था ना तुम किसी के करीब नहीं जाओगी फिर क्यों गई जानती हो ना इसकी पनिश्ड में मिलेगी। उसने ये बात भले ही शांति से बोली थी लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा और धमकी साफ नजर आ रही थी। तापसी अपना सर ऊपर कर समय की आंखों में देखा और रुआसी आवाज में बोली मैं नहीं गई उन्होंने मुझे हक किया देसे आपने उस लड़की को हक किया था। तापसी का इशारा इलियाना की ओर था। उसके चेहरे पर पहली बार जेलेसी नजर आ रही थी। समय को इलियाना को उसी तरह प्यार करते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तापसी ने अपना सर झुका लिया। समय भी उसके चेहरे पर जेलेसी साफ देख सकता था। उसका बच्चा उसके लिए जेलेस हो रहा है ये देख समय के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसका थोड़ा सा गुस्सा तापसी के जेलेस चेहरे को देख कम हुआ लेकिन अभी भी वो गुस्से में था। समय ने तापसी के फुले हुए दोनों गालों को चुम लिया साथ ही उसकी आंखें नाक होंठ पर भी किस की। तापसी उसके गले में बाहें लिपट के बोली क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करोगे क्या आप मुझे छोड़ दोगे। उसकी बात सुन समय उसके चेहरे को हाथों में भर के बोला नहीं मेरा बच्चा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें खुद से दूर करने की सोच भी नहीं सकता। तुम तो मेरी जान हो मेरी बटरफ्लाई हो मेरा सुकून हो मेरा जुनून मेरी जिद हो मेरा सब कुछ हो। तापसी अपने पैर समय की कमर पर लिपट के बोली तो फिर आपने मुझे नीचे क्यों उतारा मुझे आपसे दूर क्यों किया और उस लड़की को हगी क्यों किया अगर मैं फिर भाग जाती तो। बटरफ्लाई समय गुस्से में उसकी कमर पर पका कसके बोला आइंदा से गलती से भी ये बात अपने मुंह से मत निकालना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसने तापसी पर गुस्सा करके कहा। तापसी उसके गुस्सा करने से सिहर उठी उसके अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। तब वहां इलियाना भी आ गई। उसने रॉयल ब्लू डेनिम जींस ऊपर अप शोल्डर वाइट टॉप साथ में ब्लैक शूज पहने थे बालों को खुला छोरा था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था फिर भी उसके होंठ गुलाबी था। उसका चेहरा बिन मेकअप भी काफी ग्लोइंग था। अब वो पूरी तरह फॉरेनर लग रही थी उसकी ब्यूटी को किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी। इलियाना को इस लुक में देख वहा किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। श्लोक भी कपड़े चेंज कर वहा आ चुका था। इलियाना ने जब समय की गोद में तापसी को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई उसका खिला हुआ चेहरा उतर गया और हाथों की मुठिया कस गई। वो समय के पास आके बोली भाई ये लड़की कौन है और आपने उसे गोद में क्यों उठाया है। तापसी इलियाना की आवाज सुन उसकी पकड़ समय के गले में कस गई। समय ने भी ये चीज नोटिस कर ली उसने तापसी को दूर करने की बजाय उसे और कसके पका ताकि उसके बच्चे की जेलीसी कम हो और उसका डर भी दूर हो। समय इलियाना को देख यू इस बारे में बात विला जाके करेगे चलो यहाँ से। इलियाना भी कहा अपना जवाब सुने बिना हिलने वाली थी। उसने जिद करते हुए कहा नहीं भाई पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो ये लड़की कौन है और आपने इसे गोद में क्यों उठाया है। मैं इनकी छोटी सी वाइफ हूँ और ये मेरे हबी। तापसी ने समय के सीने में छुपाए हुए बोली उसने समय को पहली बार हबी कह के बुलाया वो भी सबके सामने। ये सुन समय के चेहरे पर हैरानी के साथ बड़ी सी स्माइल आ गई। समय अपनी बटरफ्लाई के मुंह से अपने लिए आप के अलावा हबी सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा।
इलियाना तापसी की बात सुन सोकत थी। समय तापसी के सर पर हाथ फेर के बोला, बच्चा एक बार फिर मुझे उस नाम से बुलाओ। तापसी मासवत से हबी, तो आगे क्या होने वाला है? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू। इलियाना तापसी की बात सुन सोकत थी। समय तापसी के सर पर हाथ फेर के बोला, बच्चा एक बार फिर मुझे उस नाम से बुलाओ। तापसी मासवत से हबी, समय की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने फिर से कहा, एक और बार बटरफ्लाई। तापसी अपना चेहरा ऊपर कर समय के गालों पर हाथ रख हबी 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 हबी। समय उसके मुंह से हबी सुन उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए और डिपली किस करने लगा। तापसी ने भी उसे किस में रिस्पॉन्स किया। दोनों सब कुछ भूल वही खड़े होके एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चुमने लगे, जैसे दो प्यासे को समुद्र मिल गया हो। समय को वैसे भी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए उसकी बटरफ्लाई का प्यार उसका साथ ही सबसे जरूरी था, इसलिए उसने यहाँ भी किसी की परवाह नहीं की। वही इलियाना तो ये देख दंग थी, उसके सामने उसका भाई एक लड़की को किस कर रहा है, वो भी सबके सामने। समय लॉन्ग किस के बाद तापसी के होठों को हल्का स्मुच कर छोड़ते हुए उसके कान में धीरे से सेडक्टिव वॉइस में कहा, बाकी चीजें विला जाके कंटिन्यू करेगे और इस बार मुझे मेरी लिटिल वाइफ का पूरा साथ चाहिए। उसने ये बात काफी धीरे से बोली थी। इतना बोल समय ने उसके कानों को चुम लिया। तापसी शमा से पानी पानी हो गई। उसने फिर से समय के सिने में मुंह छुपा लिया। पीछे से राहुल मुंह बना के मन में बोला, इसने मेरी मासूम सी बहन को भी अपनी तरह भीष्म बना दिया है। कहा, मेरी गुड़िया कितनी मासूम थी, लेकिन अब देखो कितनी बेशर्म हो गई है, सबके सामने उसे किस कर रही है। ज्यादा कोश मत उसे, वो आज भी हमारी मासूम सी क्यूटी ही है, सिर्फ गलत संगत में रह के बिगड़ चुकी है। वरुण ने मुस्कुराते हुए उसके कानों में कहा, तो राहुल गुस्से में उसे बुरी तरह घुने लगा। वरुण अपने हाथ जेब में डाल कंधे उचका के दांत दिखा दिए। अंडस्को 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 सब स्टेशन से निकल गई। आधे एक घंटे में उनकी गाड़ियां मुंबई के जुह के सबसे आलिशान विला के सामने आके रुकी। विला में गाड़ियां एंटर होते ही तापसी झीलसी नजरों से बाहर देखने लगी। बाहर बहुत सुंदर सा विला था। वो समय के अमेरिका के मेंसन जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था, वो भी उतना ही बड़ा था जितने समय के बाकी विला है। तापसी अभी भी समय की गोद में ही बेदी हुई थी। समय का एक हाथ तापसी की कमर पर था तो दूसरे से फोन पका हुआ था। समय के पास में ही इलियाना बेदी हुई थी। इलियाना की नजरें समय की गोद में बेदी हुई तापसी पर थी। वो उसे स्टेशन से ही घूर रही थी। उसे तापसी से जलन हो रही थी, उस पर गुस्सा आ रहा था। जहां उसे बैठना चाहिए वहां वो बेदी हुई थी। जो प्यार अटेंशन समय का उसे मिलना चाहिए वो तापसी को मिल रहा था, ये देख उसका जलन भी लाजमी था। दूसरी लड़की को अपने भाई के साथ देख कोई भी लड़की जेलेस हो गई। जब भाई 3 साल बाद मिले और वो उसे वो अटेंशन ना दे तो किसी भी बहन को तकलीफ होगी। इस वक्त इलियाना को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसे अभी तक पता नहीं था तापसी कौन है। समय ने जब बटरफ्लाई कहा तब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा ध्यान तापसी पर था। इस बीच इलियाना ने समय से कितनी बार तापसी के बारे में पूछा, उसने शादी कब की, तापसी कौन है, तुम उसे कैसे मिले, और भी ना जाने कितने ही सवाल उसने किए। लेकिन समय ने उसके सारे सवाल का जवाब सिर्फ एक वद में दिया, वेट करो विला जाके वो सब बताएगा। तापसी का सर समय के सिने पर था और नजरे बाहर समय की कार में। आगे राघव बैठा हुआ था, बाकी सब पीछे की गाड़ियों में थे। अविरन स्टेशन से अपने विला जाना चाहता था, लेकिन वरुण राहुल ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले लिया। उनकी गाड़ी विला में एंटर होते ही गादौस भागकर आके समय की कार का डोर ओपन किया। समय तापसी को गोद में लिए ही बाहर निकल विला में चला गया, बाकी सब भी उसके पीछे अंदर चले गए। श्लोक भी उनके साथ ही था। श्लोक विला को देख सोकत था, उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा विला नहीं देखा था। देखना तो दूर, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन ऐसे विला में कदम रखेगा। ना ही उसने ऐसा कोई सपना देखा था कि वो मुंबई में एक दिन ऐसा विला खरीदेगा। खरीदना तो दूर ऐसे विला में
कदम रखना यही उसके लिए सपने जैसा है। श्लोक ने अपनी लाइफ में बहुत गरीबी देखी है, वो मुंबई अपनी गरीबी कुछ कम करने और अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे सके इसलिए आया था। उसके सपने काफी छोटे थे, वो तो सिर्फ मुंबई जैसे शहर में एक छोटा का घर खरीद के अपने माँ बाप को गांव से यहाँ लाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था अब उसकी लाइफ यहाँ से कहाँ जाने वाली है। जो सपने उसने सपने में भी नहीं देखे होंगे वो अब जाके सच होने वाले है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फार के, बस वही श्लोक के साथ होने वाला है। उसकी पूरी लाइफ गरीब से निकलने वाली है। समय ने तापसी को गोद से नीचे उतार दिया था। तापसी पहली बार मुंबई आई थी, या यूं कहो पहली बार इंडिया आई थी। उसकी फैमिली इंडिया से थी, लेकिन उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। समय की गोद से तापसी के उतरते ही इलियाना समय के सीने से लग गई। इलियाना भी तापसी की तरह समय की गोद में चढ़ गई। उसके ऐसा करते ही तापसी की आह निकल गई। समय ने तापसी को गोद से नीचे उतार दिया था। तापसी पहली बार मुंबई आई थी, या यूं कहो पहली बार इंडिया आई थी। उसकी फैमिली इंडिया से थी, लेकिन उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। समय की गोद से तापसी के उतरते ही इलियाना समय के सीने से लग गई। इलियाना भी तापसी की तरह समय की गोद में चढ़ गई। उसके ऐसा करते ही तापसी की आह निकल गई। समय इलियाना के इस एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो हैरानी से अपनी बहन को देख रहा था, बाकी सब भी हैरानी से उनको देख रहे थे। अविरन इलियाना को देख अपनी आंखें रोल कर मन में पागल लटकी। वरुण राहुल इलियाना को ऐसे करते देख हैरान थे। राघव अफान भी सोकत थे। तापसी अभी अभी क्या हुआ यही सोच रही थी। तापसी इस वक्त नीचे गिरी हुई थी। दरअसल समय ने जैसे ही उसे नीचे उतारा, इलियाना उसे साइड कर समय की गोद में चढ़ गई। इसमें इलियाना से तापसी को गलती से धक्का लग गया था, जिसमें तापसी नीचे गिर चुकी थी और उसे हाथ में चोट लग गई। तापसी के हाथ से खून निकलने लगा। तापसी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। समय ने जैसे ही तापसी की सिसकने आवाज सुनी, उसने एक झटके में इलियाना को खुद से अलग किया और तापसी के पास घुटनों पर बैठ गया। तापसी बुरी तरह रो रही थी, उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। समय तापसी के चेहरे को हाथों में भर के बोला, बच्चा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, क्या हुआ मेरे बच्चे को। वो अभी इतना ही बोला था कि उसकी नजर उसके हाथ में लगी चोट पर गई, जहां से खून निकल रहा था। समय उसका खून देख घबरा गया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने तुरंत उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी चोट को देखने लगा। समय के हाथ लगाते ही तापसी की दर्द से आह निकल गई। समय ने गलती से उसका हाथ जोर से पकड़ लिया था, जिसे तापसी को तेज दर्द हु और उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। आह दर्द हो रहा है छोरिए, उसने दर्द से तड़पते हुए कहा। समय को जब एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया, तो उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और तापसी को अपने सीने से लगा लिया। तापसी उसके सीने से लग और तेज रोने लगी। समय ने उसे अपने सीने से लगा के कहा, सॉरी बच्चा, गलती हो गई, प्लीज चुप हो जाओ, अभी ठीक हो जाएगा। समय चिल्ला के, मेडिकल किट राइट नाउ। एक सर्वेंट भाग कर गया और मेडिकल किट लाके समय को दे दी। राहुल वरुण भी तापसी की चोट देख उसके पास आ गए। अपनी बहन को दर्द में देख राहुल अपना दर्द भूल गया। उसके पैर हाथ में बड़ी इंजरी थी, फिर भी उसने सबको साइड किया। तापसी समय के सीने लग रोते हुए बोली, आह अभी दर्द हो रहा है। हाँ बच्चा अभी ठीक हो जाएगा, मैं अभी इस पर पति कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। समय ने उसके हाथ पर फूक मारते हुए कहा। अब तक तापसी का पूरा चेहरा रोने से लाल हो चुका था। राहुल अपनी बहन को दर्द में देख गुस्से में इलियाना की बाजू पकड़ के उसे झंझोड़ते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का देने की। इलियाना दर्द से कराहते हुए, आह मेरा हाथ छोड़ो मेरा हाथ भाई, वो समय की ओर देख आवाज दी, लेकिन समय ने उसकी ओर एक नजर नहीं देखा। वो तो तापसी को अपनी गोद में बिठा के उसके हाथ की चोट पर पट्टी कर रहा था। वही नीचे बैठके इलियाना अपने भाई को खुद को इग्नोर करता देख उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी आंखें नम हो गई।
अब उसे तापसी से और भी नफरत हो रही थी। उसके दिल में तापसी के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। उसके भाई को दूर करने के लिए वो उसे जिम्मेदार मान रही थी। वरुण जल्दी से राहुल को इलियाना से अलग कर और बोला, राहुल संभाल खुद को, अभी इसे फर्क नहीं पड़ता कि क्यूटी को किसकी वजह से चोट लगी, अभी सिर्फ हमें क्यूटी को देखना है, इसे बाद में देख लेंगे। इलियाना राहुल के हाथ पकड़ने से गुस्से में चिल्ला रही थी। वो समय को आवाज दे रही थी लेकिन समय उसकी बात सुनना तो दूर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। आज पहली बार होगा जब समय ने उसके दर्द को इग्नोर किया होगा और किसी और के दर्द को देखा, वरना आज से पहले उसकी एक खरोच पर भी समय पूरा विला सर पर उठा लेता था। अब उसमें उसकी भी क्या गलती, अगर एक और अपना प्यार दर्द में हो और दूसरी और वो इंसान हो जिसने अपने प्यार को दर्द दिया हो, तो कोई भी इंसान अपने प्यार को पहले देखेगा फिर सामने उसका अपना ही क्यों ना खड़ा हो। और यहाँ तो समय मल्होत्रा है जिसके लिए उसका प्यार प्यार नहीं, उसका जुनून है, उसकी बटरफ्लाई है। वो अपने प्यार में उसे तक दर्द दे सकता है, फिर किसी और के दर्द से उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। पहले की बात और थी जब समय के पास उसकी बटरफ्लाई नहीं थी, और अब की बात कुछ और है। उसके पास उसकी बटरफ्लाई है। उसकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह उसके पास है। राहुल तापसी के पास जैसे तैसे अपने दर्द को भूल चुक गया। उसके तूते पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था लेकिन उसने अपनी जरा सी भी परवाह नहीं की। आखिर करता भी कैसे, उसके लिए उसके दर्द से बड़ा अपनी बहन का दर्द था। राहुल परेशानी भरी आवाज में तापसी के दूसरे हाथ को पकड़ के बोला, क्यूटी पाई बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज चुप हो जाओ, ये दर्द अभी चला जाएगा। समय प्लीज इसे चुप कराओ, राहुल ने समय को देख कहा। समय तापसी की चोट पर पति करते हुए अपनी गुस्से वाली नजर से इलियाना की ओर देखा। इलियाना समय की लाल आंखें देख डर गई, उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। श्लोक जो सब देख रहा था उसकी सांसें भी अटक चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह हो क्या रहा है। इलियाना ने उसे बताया था उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो उसका सब कुछ है, वो उस पर कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। राहुल तापसी के पास जैसे तैसे अपने दर्द को भूल चुक गया। उसके तूते पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था लेकिन उसने अपनी जरा सी भी परवाह नहीं की। आखिर करता भी कैसे, उसके लिए उसके दर्द से बड़ा अपनी बहन का दर्द था। राहुल परेशानी भरी आवाज में तापसी के दूसरे हाथ को पकड़ के बोला, क्यूटी पाई बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज चुप हो जाओ, ये दर्द अभी चला जाएगा। समय प्लीज इसे चुप कराओ, राहुल ने समय को देख कहा। समय तापसी की चोट पर पति करते हुए अपनी गुस्से वाली नजर से इलियाना की ओर देखा। इलियाना समय की लाल आंखें देख डर गई, उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। श्लोक जो सब देख रहा था उसकी सांसें भी अटक चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह हो क्या रहा है। इलियाना ने उसे बताया था उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो उसका सब कुछ है, वो उस पर कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। समय तापसी को गोद में उठा के सोफे पर बिठा दिया। एक सर्वेंट पानी का ग्लास लेके पहले से वहां खड़ा था। समय ने ग्लास लेके तापसी को पानी पिलाया। तापसी का रोना तो बंद हो चुका था लेकिन वो अभी भी सुबक रही थी। इलियाना से जब सबर नहीं हुआ तो वो गुस्से में चिल्ला के समय से बोली, भाई आप मुझसे ज्यादा इस लड़की को पेम्पा कर रहे हो, अभी इस लड़के ने मेरा हाथ पका और आपने कुछ कहा नहीं, आपकी छोटी आपको आवाज लगाती रही और आप इस लड़की को चुप करना लगे, वाय मेरी जगह ये लड़की कैसे ले सकती है, आप तो मेरे भाई हो ना, आप तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे ना, फिर ये लड़की कहाँ से आई, आपने तो कहा था आप कभी शादी नहीं करोगे क्योंकि आपको आपकी बटरफ्लाई चाहिए, फिर आपने शादी कैसे की, मुझे जवाब दीजिए भाई आपने इस बीच से शादी कैसे की। तभी वहां तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि सारे सर्वेंट अपना सर झुका के खड़े हो गए। इलियाना का मुंह एक ओर झुका हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। समय का हाथ पहली बार उस पर उठा था, वो भी इस तरह। इलियाना ने जब तापसी को बिच कहा तो समय का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। उसने बिना सोचे समझे इलियाना पर
हाथ उठा दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। इलियाना के राइट गाल पर समय की उंगली ओ के निशान छप चुके थे। उसके मुंह के कोने से खून भी निकल आया था। समय गुस्से में उसे उंगली दिखा के बोला, ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। अगली बार मेरी बटरफ्लाई के खिलाफ एक वक्त भी तुमने निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता भी है। अब तक तुमने इस भाई का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देख पाओगी, इसलिए अपनी हद पार मत करना इलियाना। समय ने पहली बार इलियाना को उसके नाम से बुलाया, वरना उसने आज से पहले उसे या तो प्रिंसेस कहा होगा या यू। इलियाना अपने गाल पर हाथ रख भीगी आंखों से समय को देखने लगी। उसने कभी अपने भाई से इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। वो कितनी भी जिद करती, समय उसकी जिद पूरी करता, लेकिन कभी उस पर आवाज तक नहीं उठाता। लेकिन आज उसने हाथ उठाया था। समय उसे नजरे फेर तापसी को अपने सिने से लगा लिया। तापसी समय का गुस्सा देख डरी हुई थी। जिस तरह समय ने इलियाना को थप्पड़ मारा था वो डर चुकी थी। समय तापसी को गोद में लेके जाते हुए वरुण से बोला, इसे दवाई लगा देना। राघव अफान पता करो, 3 साल में इसके साथ किस किसने गलत किया है, मुझे शाम तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। समय तापसी को लेके अपने कमरे की ओर चला गया। राघव अफान अपने काम पर लग गए। वरुण राहुल को खड़े होने में मदद करते हुए इलियाना से बोला, जीस बटरफ्लाई की तुम बात कर रही हो वो और कोई नहीं तापसी है जो इस वक्त समय के पास है। अगली बार बिना बात जाने कुछ मत बोलना वरना समय का गुस्सा जानती हो। राहुल ने बेमन से कहा। बचपन वाली इलियाना समझदार थी, बिना बात जाने कभी रिएक्ट नहीं करती थी, वो सच में मासूम थी। वरुण ने एक आदमी को बोल राहुल को कमरे में ले जाने को कहा क्योंकि उसे इलियाना से बात करनी थी। इलियाना अभी भी उसी तरह गाल पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। वरुण उसे सोफे पर बिठा के उसके हाथ को गाल से हटा के उस पर ऑयलमेंट लगाने लगा और उसे तापसी के बारे में बताने लगा। श्लोक भी वही खड़ा था, वो भी वरुण की बातें सुन रहा था। समय का रूम। समय तापसी को बिस्तर पर बिठा के बाथरूम से गीला तावल लाके उसके हाथ चेहरे को साफ किया, फिर उसके कपड़े देखे। जीस पर खून लगा था। उसने बिना तापसी को पूछे उसके कपड़े निकाल दिए। तापसी ने अपना सर झुका लिया। उसे क्षमा आ रही थी, वो समय के सामने पूरी तरह नेक्ट थी। पहले भी कई बार दोनों एक हो चुके थे, फिर अभी तापसी आज भी उतना ही क्षमौती थी। समय उस गीले तावल से उसकी पूरी बॉडी को साफ कर रहा था। जिसे तापसी क्षमा से पानी पानी हो रही थी, उसका पूरा चेहरा और भी लाल हो गया। जब समय ने उसे शर्माते देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने उसके पेंट पर गीला तावल लगा के उसके कान के पास अपने होंठ ले जाके मदहोशी भरी आवाज में कहा, बटरफ्लाई तुम इतना लाल क्यों हो रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, अभी से लाल हो गई तो जब शुरू करूँगा तब क्या करोगी, तब तो तुम पूरी स्ट्रॉबेरी बन जाओगी। वैसे भी आज तो मेरी छोटी सी बटरफ्लाई मेरा साथ देने वाली है, मुझे प्यार करने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड, मुझसे और वेट नहीं होगा बच्चा, चलो ना जान, दिन में तुम प्यार करो फिर रात में करूँगा। समय ने इंटेंस नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो तापसी समय की बात सुन और भी शमौ गई। उसने अपने दोनों हाथ से अपना मुंह छुपा लिया। इस वक्त उसके दोनों गाल किसी सेब की तरह लाल हो चुके थे। समय को उसका शमौना बहुत पसंद था। वो जितनी बार भी उसके करीब गया था वो ऐसे ही शमौ जाती थी जैसे पहली बार हो। यही चीज समय को उसके लिए और भी पागल कर देती थी। समय को बिना देखे वो फील करना एक अजीब सा एहसास था उसके लिए, जो आज समय उसे देख के तोड़ने वाला था। समय चाहता था उसकी बटरफ्लाई उसे उसी तरह प्यार करे जैसे वो करता है। समय तापसी का हाथ पकड़ अपने सिने पर रख सेडेक्टिव वे में फिरा के मदहोशी भरी वॉइस में बोला, चलो बच्चा अब तुम भी मेरे कपड़े निकालो। जैसे मैंने तुम्हारे सारे कपड़े निकाले वैसे ही तुम भी मेरे सारे कपड़े, मतलब सारे कपड़े निकालो। समय ने सारे कपड़े इस तरह कहा जिसे तापसी के कान गर्म हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना हाथ खींच नेकी नाकाम सी कोशिश की, लेकिन समय ने उसका हाथ कसके पकड़ लिया और इस बार थोड़ी शक आवाज में, मगर मदहोशी
से कहा, बटरफ्लाई तुम्हें पता है ना मुझे बात रिपीट करना पसंद नहीं है, चलो शुरू हो जाओ मैं पहले ही तुम्हारा हूँ जान। अब कैसी शम, हम एक दूसरे को पूरी तरह पा चुके हैं, अब तो हक से प्यार कर सकते हैं। समय ने कहा तो तापसी ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसका हाथ अभी भी समय के सिने पर चल रहा था। समय उसकी थुड़ी ऊपर कर उसकी गालों को बारी बारी चुम हल्का बाइट करने, मुझे देखो बटरफ्लाई, लुक एट माय आइज बटरफ्लाई, मुझे देखो और मुझे वो प्यार दो जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रहा हूँ। तापसी धीरे से अपनी नजरें उठा के समय की आंखों में देखा, जो डिजायर से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक अलग सा नशा था जिसमें शराब की जरूरत ही नहीं होती, वो तो तापसी के करीब होने से ही उस पर चढ़ जाता था, जिसमें तापसी भी हर बार डूब जाना पसंद करती थी। आखिर करती भी कैसे, नहीं समय था ही इतना हॉट हैंडसम सेक्सी कि उसे देखते ही किसी को भी नशा हो जाए। उसकी नशीली आंखें, मस्क्यूलर बॉडी, उसके चेहरे की जो लाइन किसी भी लड़की का दिल जीत ले काफी थी। उसका इगो एटीट्यूड सबसे किलर था, समय के पास हॉटनेस और पावर दोनों थी। समय की आंखों में डूबते हुए तापसी के हाथ कब उसकी शर्ट के बटन पर चले गए उसे पता ही नहीं चला, लेकिन समय को इसका एहसास था। अपनी बटरफ्लाई की आंखों में अपने लिए वही प्यार जुनून देख उसकी चेहरे पर इवल स्माइल आ गई। तापसी की नजरें समय की नजरों से मिली हुई थी, जिसमें समय का चेहरा तापसी की ओर झुका हुआ था। तापसी बिस्तर पर अपने घुटनों पर थी और समय उसके ऊपर हल्का झुका हुआ था। समय के दोनों हाथ तापसी के चेहरे पर थे, जिसे वो उसके गालों को सहला रहा था। तापसी ने अब तक समय की शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे, वो भी बिना देखे। उसने धीरे से उसकी शर्ट निकाल दी और बाकी कपड़े भी निकाल दिए। अब समय भी उसके सामने बिल्कुल नेक्ट था। तापसी की नजरें अभी भी समय के चेहरे पर ही थी। उसने अपनी नजरें जरासी भी नीचे नहीं की थी, ना ही उसने अपनी नजरें उसकी नजरों से हटाई। समय उस पर झुकते झुकते पूरी तरह उस पर आ गया और तापसी भी मदहोशी में किसी हिप्नोटाइज की तरह झुक गई। समय ने एक झटके में पलट उसे अपने ऊपर कर लिया, तब जाके तापसी को होश आया कि वो कहां बेदी है। वो समय के ऊपर थी और समय उसके नीचे, वो अपनी इंटेंस नजरों से तापसी की आंखों में देख रहा था। तापसी ने एक बार फिर अपनी नजरें झुका ली। समय उसके बालों को कान के पीछे कर मदहोशी भरी आवाज में, किस माय नेक बटरफ्लाई, अब और मत तड़पाओ, मुझे प्यार करो, अपने इन लाल होठों से अपने प्यार की निशानी दो। जीस पर तापसी ने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही शम से पानी पानी होती रही। समय ने देखा उसकी बटरफ्लाई शमो रही है, तो उसने उसके बालों को पीछे से पकड़ उसका सर अपनी नेक पर झुका लिया और मदहोशी भरी आवाज में कहा, किस मी बटरफ्लाई, वरना मैं करूँगा तो तुम्हें रात तक नहीं छोड़ूंगा, फिर तो तुम सिर्फ अपने हबी का नाम लोगी और सच में तुम मुझे हबी कहोगी जब मैं तुम्हें प्यार करूँगा। तापसी उसकी बात सुन डरते हुए धीरे से समय की नेक पर अपने होंठ रख दिए और वहां सिफे छूने लगी। उसे किस करना नहीं आता था, वो सिफे छू रही थी। ये देख समय ने उसके बालों को कसके पके उसके सर को पीछे खींच उसके गले पर अपने होंठ रख वहां अपनी टंग से लीक कर किस और बाइट किया, फिर कहा, ऐसे किस करते हैं बटरफ्लाई, अब तुम करो। देसे मैंने की अपने इन रैबिट देसे छोटे दांतों के मुझे अपने प्यार में रंग दो। तापसी समय ने देसे किस की थी वैसे ही उसके गले पर किस करने लगी। तापसी की सॉफ्ट से होंठ अपने गले पर फिल कर समय की आंखें अपने आप बंद हो गई। वो अपनी छोटी सी वाइफ के प्यार भरे प्लेजर को फिल करने लगा। उसके लिए ये पहली बार था जब तापसी खुद से उसे प्यार कर रही थी, हाँ वो भी इतना सॉफ्ट। तापसी काफी देर तक उसके गले में किस बाइट करती रही, जब तक समय ने उसे अपने सिने पर किस करने को नहीं कहा। तापसी के नाजुक हाथ समय अपने एप्स पर रख उसे सहलाने लगा, जिसे उसकी मदहोशी भरी सिसकिया निकलने लगी। उसकी बॉडी में हिट बधने लगी। समय उसके हाथों से अपने एप्स पर हल्के हल्के फिरा रहा था। तापसी समय ने देसे किस की थी वैसे ही उसके गले पर किस करने लगी। तापसी की सॉफ्ट से होंठ अपने गले पर फिल कर समय की आंखें अपने आप बंद हो गई। वो अपनी छोटी सी वाइफ के प्यार भरे प्लेजर को फिल करने लगा। उसके लिए ये पहली बार था जब तापसी खुद से उसे प्यार कर रही थी, हाँ वो भी इतना सॉफ्ट।
तापसी काफी देर तक उसके गले में किस बाइट करती रही जब तक समय ने उसे अपने सिने पर किस करने को नहीं कहा। तापसी के नाजुक हाथ समय अपने एप्स पर रख उसे सहलाने लगा, जिसे उसकी मदहोसी भरी सिसकियां निकलने लगी। उसकी बॉडी में हिट बदने लगी। समय उसके हाथों से अपने एप्स पर हल्के हल्के फिरा रहा था। तापसी को भी अब समय को किस करना अच्छा लग रहा था। वो बिना रुके समय की मस्क्यूलर बॉडी पर अपने होंठ चलाने लगी। समय उसके बालों को पीछे से खींच रहा था। उसे पहली बार प्लेजर फील हो रहा था, जैसे किसी ने उसे पूरी दुनिया का सुकून दे दिया हो। दूसरी ओर वरुण ने इलियाना को सारी बात अच्छे से बताई। इलियाना सारी बात सुन वरुण के गले से लग फुट फुट के रोने लगी। वरुण उसकी पीठ को सहला के, अब चुप हो जाओ और समय जब नीचे आएगा तो उसे माफी मांग लेना। वो अपनी बहन से ज्यादा गुस्सा नहीं रह सकता। इलियाना रोते हुए उसे अलग होके बोली, भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उसके लिए जो उसे छोड़ के चली गई थी। नहीं इलियाना, उसने तुम पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि तुमने उसकी बटरफ्लाई को गलत वक्त बोला। और रही बात छोड़ के जाने की, तो वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उस वक्त हालत ऐसे थे कि उसे जाना पड़ा, वरना राहुल उसे समय से अलग नहीं करता, वरुण ने उसे समझाते हुए कहा। उसने इलियाना को पानी का ग्लास देके आगे कहा, दिमाग को शांत रखो और थोड़ी देर आराम करो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। समय की जो बीमारी है वो तापसी ही ठीक कर सकती है, ये बात तुम अच्छे से जान लो। और अगली बार तापसी को हार्म करने की सोचना भी मत, वरना समय से पहले में तुम पर हाथ उठाऊंगा और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं बोलेगा। और ये तुम अभी देख ही चुकी हो कि उसके लिए तापसी क्या है। वरुण इतना बोल इलियाना को एक नजर देख वहां से चला गया। अब इलियाना ने उसकी बात समझी या नहीं वो तो वही जाने, लेकिन उसकी आंखों से देख लग नहीं रहा था कि वो वरुण की बात समझी भी होगी। उसने अपने हाथों की मुठिया बंद की हुई थी, उसकी आंखें दहक रही थी। दूसरी ओर श्लोक अपना रूम देख काफी खुश था। उसके पास वो सब था जिसके लिए वो 3 सालों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। एक नवा बेड, टीवी, ऐसी कमरे में फ्रिज, वो जितना सोकत था उतना ही खुश भी था। श्लोक को यकीन नहीं हो रहा था उसकी लाइफ ऐसा मोड भी लेगी। उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वही समय का रूम, पूरे रूम में समय तापसी के प्यार की मदहोसी छाई हुई थी। दोनों की मदहोसी भरी सांसें कमरे को और भी रोमांटिक बना रही थी। कमरे के हर कोने में समय की मदहोश करने वाली सांसें फैली हुई थी। कहते हो ना प्यार दोनों साइड से बराबर हो तो प्यार अपना हर मुकाम पार करता है, तो अब यही समय तापसी के साथ हो रहा है। तापसी नशीली आंखों से समय को देख उसे हक कर उसके सिने पर लेट गई और धीमी सी आवाज बोली, बस और नहीं, मैं थक गई। कहते हुए वो काफी मासूम लग रही थी। उसकी आवाज में एक मदहोसी थी जिसे सुन समय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। समय उसकी सांसें इतनी सी किस में फुल हुए महसूस कर मुस्कुरा रहा था। उसकी बॉडी में अपने प्यार की तपीस बधता महसूस कर उसकी बॉडी में भी हलचल सी होने लगी। समय ने अपनी आंखें खोल दी और अपने सिने पर लेती अपनी छोटी सी बच्ची को देखने लगा, जो पूरी तरह उसके ऊपर लेती हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। समय उसकी पतली सी कमर को पकड़ उसके सर पर दूसरे हाथ से प्यार से सहलाने लगा। तापसी उसके छुने भर से मोम की तरह पिघलने लगी। उसकी सांसें और तेज चलने लगी, दिल की धड़कने बढ़ने लगी। समय की सांसें भी काफी तेज चल रही थी, उसका दिल भी पहली बार शोर कर रहा था। दोनों के ही दिल की धड़कन आपस में टकरा के एक दूसरे के दिल को अपने प्यार के लिए तड़पा रही थी। समय उसे अपनी बाहों में कसकेते हुए उसके कान के पास अपनी गम मदहोसी भरी सांसें छोड़ के बोला, नहीं बटरफ्लाई, तुम इतनी जल्दी नहीं थक सकती, मुझे तुमसे स्वीट नहीं हार्ड लव चाहिए जैसा मैं करता हूँ इस सॉफ्ट लव से। मुझे वो प्लेजर मिलने से रहा, आई वॉन्ट माई वाइल्ड किट, आज अपनी बटरफ्लाई को वाइल्ड होते देखना चाहता हूँ। तापसी उसकी बात सुन शमा से और भी लाल हो गई। उसके कान गमा होने लगे, उसकी बॉडी में हित बधती चली गई। समत ने एक बार फिर उसके कान के पास अपने होठों फिरा के कहा, मुझे मेरी बटरफ्लाई का हार्ड लव चाहिए, मुझे देखना है मेरी बटरफ्लाई मुझसे कितना प्यार करती है। मुझे इतना सारा प्यार चाहिए कि मेरी बटरफ्लाई का
प्यार मेरी रूह में बस जाए और मेरे रोम रोम में उसके प्यार की महक बस जाए। जब तक तुम्हारे प्यारे मुझे प्लेजर नहीं मिलता तब तक ना ही तुम रुकोगी और ना ही मैं रुकने दूंगा अभी अपनी। सांसों को काबू कर लो फिर मुझे फिर से प्यार करो वो भी वाइल्ड होके। तापसी उसकी बात सुन शमा से पानी पानी हो गई। उसने अपना चेहरा और भी समय के सिने में छुपा लिया। दोनों विस वक्त एक मखमली चादर में लिपटे हुए थे। जैसे दो जिस्म एक जान कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता। तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।